जय जगन्नाथ एवरीवन। सो हम दोनों ने बहुत दिनों से प्लानिंग की थी कि हमें रथ यात्रा के टाइम ही पूरी आना है और श्री भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन रथ यात्रा के टाइम ही करना है। सो फॉर्चुनेटली भगवान ने हमारी सुन ली एंड वी फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। तो हमने गुवाहाटी से स्टार्ट किया था, गुवाहाटी से अभी आ गए पुरी स्टेशन। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो इंडिया के वेरियस पार्ट से लोग आए हुए हैं। तो आज है, आज का तारीख है 6 और कल है रथ यात्रा 7 को। और इस बार फॉर्चुनेटली 2 दिन होने वाला है, 7th और 8th। तो हमने ऑलरेडी बुकिंग कर लिया था अपनी होटल, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है। तो हम जा रहे हैं अभी अपने होटल, पहले चेक इन करेंगे फिर डिसाइड करेंगे हम क्या करना है। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में है स्वर्ग द्वार बीच, जो कि पुरी का बहुत फेमस बीच है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी में है हमारा होटल और जगन्नाथ टेंपल से ये बीच पड़ता है 2 किलोमीटर अवे। सो यहाँ से हम लोग पूरा क्लियर व्यू नहीं दे पा रहे हैं। सो हमने डिसाइड किया कि बाद में आफ्टर गेटिंग फ्रेश एंड ऑल वी विल कम एंड एक्सप्लोर दिस बीच एंड दैट टाइम वी विल मेक श्योर दैट हम आप लोगों के लिए भी ये फुटेज कवर करें। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने होटल सुनार किला। तो हमने ये बुकिंग एडवांस किया था क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो कि जगन्नाथ यात्रा लाखों लोग आ रहे हैं, तो एडवांस बुकिंग किया हमने। काफ़ी डिसेंट होटल है, प्राइस भी ठीक ठाक ही है, 2500 पर डे का हुआ है। हमने 3 दिन के लिए बुक किया है। तो आप दिखाते हैं अपने रूम टूर। द डिटेल्स ऑफ द होटल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर चेक कर लीजिए। एक्चुअली हमने ये ट्रिप प्लान किया था हमारे 2 मम्मियों के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ आवर मॉम कुडंट जॉइन अस बिकॉज शी इज़ नॉट कीपिंग वेल एंड येस वी मिस हर। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई मॉम हु इज़ नॉट इवन वॉचिंग। अच्छा चलो, शी इज़ माई मॉम एंड हियर इज़ प्रशांत हु इज़ वेरी एक्साइटेड टू सी द रूम। ये है रूम टूर आप लोगों के लिए। तो ये है हमारा छोटा सा कॉरिडोर, यहाँ से सी भी दिखता है क्योंकि लगभग 200 मीटर है यहाँ से, वॉकिंग डिस्टेंस काफ़ी है, इसीलिए हमने ये चूज़ किया ये होटल। चलो आगे मिलते हैं। तो यहाँ से फ्रेश होके हम निकले श्वेत सागर में, कुछ रिचुअल्स है तो वो कंप्लीट किया हमने। आइए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे रिचुअल कंप्लीट किया, वहाँ से हम निकल आए जगन्नाथ मंदिर, क्योंकि कल तो यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होगा, इतने क्लोजली देख नहीं पाएंगे, आप लोगों को भी नहीं दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, वो देखिए आप देख सकते हो 3 रथ जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है कल के लिए। तो कल शाम को है 5 बजे के बाद, लेकिन आज अभी दोपहर को बज रहा है 3। सो गाइज एज यू ऑल कैन सी यहाँ पे 3 रथ है
एक है लॉर्ड जगन्नाथ जी के लिए, एक है लॉर्ड बलभद्रा के लिए और एक है गॉडेस सुभद्रा के लिए। पूजा से के लगा पूजा से तो अभी हम जाएंगे प्रसाद लेने आनंद बाजार। और ये है जगन्नाथ जी का किचन, वर्ल्ड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट किचन। और यहाँ पे देख सकते हो आप डिवोटीज आज से ही बैठे हुए हैं। और ये है बजरंगबली का मंदिर, जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे की बगल में है। तो वहाँ से पहले एंट्रेंस के पहले यहाँ पे हमने अपना माथा टेका। बेस्ट पार्ट है मंदिर का कि आप कैमरा मोबाइल कुछ नहीं ले जा सकते हो अंदर, बस भक्ति के अंदर साथ अंदर जाना है और श्रद्धा के साथ बाहर आना है। और आप देख सकते हो काफ़ी लोग यहाँ पे बाहर रुके हुए हैं। और यहाँ पे फैसिलिटी है क्लॉक रूम का, बैग मोबाइल कैमरा यहीं सबमिट कर सकते हो। और प्रीमिसेस बहुत ही साफ़ है और बहुत ही क्लीन रखा है। और बाकी सब तो जगन्नाथ जी का कृपा ही है। तुम्हारा दर्शन भी हो गया, प्रसाद भी खा लिया हमने, अब हम निकलेंगे सी बीच के साइड। कल तो इस तरफ आना नहीं होगा, बहुत भीड़ होगा, ठीक है ना। आज हो गया हमारा दर्शन, प्रसाद भी खा लिया हमने। हाउ वाज एक्सपीरियंस? डिवाइन एक्सपीरियंस। अंदर में कैमरा अलाउ नहीं है इसलिए अभी कनेक्ट किया हमने अपना। मम्मी बड़ो मत कर लो। ठीक है, चलो हम यहाँ से जाएंगे। लेट्स गो। तो ये है तीन रथ, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा। कल 5 बजे ये टाइम को स्टार्ट हो जाएगा। इतना क्लोज तो जा नहीं पाएंगे कल, आज ही दिखा देते आपको। ये है मेन द्वार जगन्नाथ जी का, आज इस तरह बना नहीं है। भीड़ छे वैसे काकवे आला सब चला। बहुत भीड़ है आज, तो कुछ भीड़ नहीं है, तो 10% नहीं था, कल तक 10 गुना बढ़ जाएगा। जय जगन्नाथ। इतने सारे लोग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ यू कैन सी जगन्नाथ।
चलते चलते हो गए हम लोग टायर्ड। अब हम जाएंगे अपने होटल, फिर होटल में थोड़ा टाइम रेस्ट करके उसके बाद हम निकलेंगे शाम का इवनिंग वॉक बीच टूर, ठीक है ना। तब तक के लिए जय जगन्नाथ। और अब दोनों भी एग्जॉस्ट हो गए, बहुत एग्जॉस्ट हो गए। तो प्रसादम वर्ग हमने कितना सारा तिलक लगा दिया, ब्लैक कलर, हाँ येलो कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर। चलो जय जगन्नाथ। पकड़िए ये मैडम, मम्मी आइए।